May I just say a few words, please? In welcoming the minister, मैं ये कहना चाहता था कि पिछले चार दिनों से 100 से अधिक लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, इंटरैक्शंस हुए, जो मुझे जो खबर आई, आई वॉज नॉट हेयर यस्टरडे. इट प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम दैट यू नो दिस सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन इज हैपन्ड इन आवर टाइम. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू इन दिस डिस्कशन विच वी नीड टू कन्वे टू द मिनिस्टर एंड टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज ऑल थ्रू द प्रोसेस ऑफ आवर डेमोक्रेसी in a proper in a fashion in which people understand and know. And she has given us the opening. She said, I'd like to get this, so this must be taken advantage of. Unhone recognized Himanshu Iyer sahab, many others who are here, and of course the appreciation and praise for Manoj Mishra. I mean, she recognized, she said that I agreed because of him, because I saw the, you know, the राजस्थान में कहते हैं जो ताप मैंने देखा उसकी वजह से हो गया. ऑफकोर्स पानी का उल्टा होता है, लेकिन आई थिंक सो. एंड एज ही ग्रोज ओल्डर ही बिकम्स इवन मोर हैंडसम. मैं इनको कई सालों से जानता हूँ. इज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू दिस काइंड ऑफ थिंग एज सो मेनी ऑफ यू हैव. तो मैं आपको आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बींग हेयर. आई थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस. आई हैव ओनली वन बिग रिक्वेस्ट, वन मेन रिक्वेस्ट. And that is, before you disperse, you must have fix a date or a time when people with similar kind of understanding will get together again. Because this must not just go by one event and one this thing. It must go by way of a program. And everyone here is working for India. Everyone has got his heart for Hindustan. So we must take this thing together. तो अगली बार कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कुछ broadly उसको कर लें. क्योंकि इस तरीके से फिर एक यू नो डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, डिफरेंट प्रोग्रेशन होगा, उससे कंटिन्यूटी बनती जाएगी. अय्यर साहब हैं, अय्यर साहब ने पिछली बार वो जो पैनल बनाई थी उसमें कई लोग थे. WWF भी एक पब्लिकेशन किया था उसके ऊपर, वो केन बेतवा के लिए स्पेसिफिकली. और इनकी गाइडेंस लेकर और आप सबकी गाइडेंस लेकर वी कैन गो अहेड. बट ज़रूर कोई टाइम फिक्स करेगा कि जिस तरीके से हम करें. एंड माई ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प, will be part of this. We will appreciate if there is many people coming together rather than one guidance or one, so that you know many people come together to come to a conclusion in this. Thank you. Let me just share this ki jaise aapne bahut sahi kaha ki ye one off event nahi rehna chahiye. Isi gathering mein se जो लोग बिहार से आए हैं, दिनेश मिश्रा जी, अपने विजय जी और बाकी लोग, दे हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड, दे हैव सेड वी वांट टू ऑर्गेनाइज द नेक्स्ट इंडिया रिवर्स वीक इन बिहार. दे हैव ऑलरेडी सेड. बट ऑफ कोर्स दे वांट द सपोर्ट असिस्टेंस ऑफ द हाउस. सो आई एम श्योर नाउ रवि जी ने कह ही दिया कि WWF का सपोर्ट तो आपको मिल ही गया. अब आप और थोड़ा सा सपोर्ट देखिए और इस चीज़ पे देखिए. इसको ऑर्गेनाइज करने में हमको पूरा एक साल लगा, मैं बता रहा हूँ. जनवरी से हमने हर महीने मीटिंग्स हुई हैं, तब जाके नवंबर में ये हुआ है. तो अगर आपको इंडिया रिवर्स वीक 2015 अगर बिहार के लोगों को करना है तो फिर आपको कल ही से शुरू करना होगा. और यही रखिए, नवंबर का महीना ही ठीक रहेगा, ज्यादा हाल गर्मी है. एक साल का समय रहा, लेकिन बीच में हमें बिहार का मीट जरूर करेंगे. ऐसा है हमारे कई स्टेट्स में कोसी नदी है, सिर्फ बिहार नहीं और कई स्टेट्स में ऐसा. तो उनको भी बुलाइए ना, साथ में साथ रखिए, उनका सबसे बड़ा है. उनको बुलाएंगे बिहार का, हम करना चाहते हैं बिहार के साथ. और क्यों नहीं नालंदा के पास करते हैं उसके, ताकि नालंदा सब सब सारा इंडिया जानता है नालंदा. नहीं करेंगे नालंदा करेंगे. मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, तब उन्होंने कहा था कि मेरा बस चलता तो मैं एक एक महीने के लिए कोसी को हर प्रांत में भेज देता. तब उनके समझ में आता कि कोसी का क्या मतलब होता है.
मुझे बड़ी खुशी है जब आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कोसी हर जगह पहुंच गई है, तो मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभर कर आए। वो कई धन्यवाद, बहुत पहले पहुंच गई थी सर। सर आपने केन पेपर की बात लिंक की और आर्ट लिंकिंग की काफी चर्चा चल रही थी, क्योंकि मैंने पिछले दो चार महीने में केन पे कुछ पहुंचते देखना शुरू किया है। जब 10 साल पहले केन बेतवा का इश्यू डिस्कस हो रहा था और उनके बाद भी तब राजेंद्र सिंह जी ठक्कर साहब जो लोग गए थे उधर और वहाँ लोगों को पता है कि कोई टीम आई थी, लेकिन उसका बाद में कोई कम्युनिटी पे वो नहीं हुआ क्योंकि वो मामला आया गया हो गया, कुछ नहीं होगा। अब अगर एक बड़ा ग्रुप और कोई बड़ा सम्मेलन वहाँ पर अभी किया जाए तो प्रोजेक्ट को रोका जा सकता, क्योंकि कम्युनिटी को अवेयरनेस लगभग जीरो। जब तक ये विचार विमर्श कम्युनिटी के लोगों के साथ और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बड़े स्केल पर नहीं होगी। मैंने कोशिश की थी अभी 15 दिन पहले 10 दिन पहले एक छोटे ग्रुप में, तो कम से कम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो पूरे का पूरा एकदम अगेंस्ट है और साथ में फिशरी डिपार्टमेंट भी अगेंस्ट है। अब रह गए एग्रीकल्चर वाले, जिन्हें कि कुछ पानी मिलने वाला है, उनका कुछ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वहाँ कम्युनिटी जो है वो ग्राउंड वाटर से बड़ी चिंतित है। हुजूर आप सबके गुरु हो, आप जानते हो कैसे हो सकता है। नहीं तो वो सम्मेलन और वो, बड़े सम्मेलन के लिए मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ आपका सहयोग, अगर वहाँ पर अभी कुछ हो बड़े स्केल पे कम्युनिटी के बीच में बैठ के, तो उसमें कम्युनिटी एक साथ खड़ी होके आवाज उठा सके। So I just wanted to say a few words. I've said that. Sir.